समुद्र में ले जाकर आपने अपना प्लान रचा। नहीं, मेरा इशारा उस ओर है कि संभवतः इन्होंने ही अधुना की हत्या की है। वो बोट नीचे के भाव की बोट की तरफ जा रही थी। आप ही ने अधुना जी को मारा है तो क्या कहेंगे आप? उस मोटर बोट में मैं नहीं था, उस मोटर बोट में दगड़ू था। आपने खून होते हुए देखा, अधुना का खून होते हुए देखा। हाँ, वो अपने अदालत में पीताम्बर के बारे में बात क्यों नहीं की? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को तकलीफ हो, समझा? एक मरी हुई मछली, एक च्युइंगम, एक जूते का निशान, ढूंढो उनके बूते पर असली कातिल। चल कुछ और ढूंढते हैं। ढूंढते रहोगे। वो लड़का यहाँ क्या करने आया? वो ये देखने आए थे बोट पर कोई सबूत तो नहीं तू निचिकेत भाव को बचा सके। कोई सबूत मिला? हाँ मिला ना, एक जूते का पैर का निशान और 11 नंबर का, आपका साइज का, और एक मरेली बच्ची और एक और चीज भूल गया। हाँ याद है ना, वो चिंगम। वैसे ही जैसा आप खाते हैं। बोला था मैंने उस नचिकेत बहू को कि देख बहू, अपना काम में टांग अड़ाने का नहीं, पुलिस को कंप्लेन करने का नहीं। उसने माना नहीं, आज वो खुद पुलिस के लफड़े में अंदर, बीबी का मर्डर। ए दगड़ू, सचमुच उस रात नचिकेत को अपनी बीवी का मर्डर करते देखा था? हाँ देखा। बोला तेरे से मैं झूठ बोलूंगा क्या? हाँ, और वैसे भी नचिकेत बाबू को झूठ मूठ में क्यों फंसाने का? ए सत्या रुक। साला उस दिन तो तू मेरे को अदालत में बहुत अच्छा से फंसाने वाला था रे। हाँ क्या बोल रहा था? जज साहब, उस मोटर बोट में डगड़ू था। बेटा शुक्र मना कि उस दिन मैंने अदालत में तेरी पोल नहीं खोली। आज के बाद अगर देखा ना तो बीच समंदर में ले जाकर धकेल दूंगा उसी तरह, समझा क्या? मछली समंदर में मछली तो होती ही है वरुण, इस मछली में क्या विशेष है? सर इस मछली को देखकर वो लड़का शंकर घबरा रहा था, मुझे लगा कि शायद इस मछली का हमारे केस से कोई लेना देना हो सकता है, इसलिए ले आया। अगर शंकर इसे देखकर घबरा रहा तो समंदर की इस मछली में कोई बात अवश्य होगी। और ये नौका के बाहरी हिस्से पर 11 नंबर के जूते। सर मैं भी यही सोच रहा था, इतनी ऊंची बोट जिसके बाहरी किनारे पर किसी के जूतों के निशान, उतनी ऊंचाई पर किसी का पैर कैसे जा सकता है, वो भी बोट के बाहर से। अगर कोई बोट के बाहर से बोट पर चढ़े तब तो पैर रख सकता है।
देखते हैं। तो ये बता, उस च्युइंगम का तूने क्या किया? इंस्पेक्टर दवे के पास है डीएनए टेस्ट के लिए। पता तो चले कि उस बोर्ड पर च्युइंगम कौन खा रहा था। मछली का क्या करें? योर ऑनर, मैं इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह दगड़ू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। कमाल कर दिया दगड़ू साहब आपने। उस हत्याकांड को देखकर अदालत को उसके बारे में बताकर आपने तो ये केस घुमा कर ही रख दिया। क्या करेगा साहब, जो देखा वो बताना पड़ा। आगे भी जो देखा वही बताना। हा? तुम्हें पूरा विश्वास है कि नचिकेत जी ने ही अपनी पत्नी अधूना को मारा है, उनकी हत्या की है? हो साहब, 100%। तो कितनी दूरी से देखा आपकी नौका इनसे कितनी दूरी पर थी? यही साहब, कोई 40-50 फीट के आसपास। 40-50 फीट, यानी कि मान लेते हैं उस दीवार से थोड़ी और दूर। तकरीबन लगभग तकरीबन उतना ही। तो ये बताइए कि रात का समय, समुंदर में अंधकार, कहीं कोई रोशनी नहीं? साहब मेरे पास टॉर्च था ना, तो उसी को ऑन करके देखा। हाँ हाँ हाँ, वो उस टॉर्च से आपने देखा? ये वही टॉर्च था ना जो सौत्या जी की नौका में था पहले से ही, क्योंकि आप तो लेकर नहीं गए। नहीं साहब, वही टॉर्च था। ये वाला टॉर्च? हो साहब, ये वही टॉर्च था। 100% साहब, 100%, 100%, 100% यही टॉर्च था। चलिए देखते हैं कि इस टॉर्च की रोशनी उस दीवार तक पहुंच पाती है नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि अदालत की बत्तियां कुछ समय के लिए बंद कर दी जाए। अदालत में अंधेरा किया जाए। ये लीजिए। हाँ चलिए जलाइए। क्या हो गया, चलिए ना जलाइए। चालू तो कर रहा साहब, लेकिन ये हो नहीं रहा। नहीं नहीं साहब, जरा जोर लगाइए, चल जाएगा। नहीं चल रहा। बत्तियां ऑन करिए। लगता है टॉर्च अब खराब हो गया। शायद बैटरी ना हो, इसमें डालना भूल गया हो शायद। नहीं, बैटरी है, दीजिए। कर सकता हूँ मैं? हाँ हाँ। देख रहे हैं आप, बैटरी पूरी तरह से पिघल गई, जिसके कारण टॉर्च खराब हो चुकी है। करेक्ट, इसलिए नहीं जली। ऐसा भी तो हो सकता है कि अधूना की मौत के बाद ये बैटरी पिघल गई हो। आपको जानकारी भी नहीं है ना जायसवाल साहब की बैटरी पिघलने में कितना समय लगता है? पूरा महीना लगता है। कई महीनों से ये टॉर्च सौत्या की नाव में पड़ी हुई है, जिसके कारण ये बैटरी पिघल गई और टॉर्च जली नहीं है। बताइए कि जब टॉर्च ही खराब है, तो इन भाई साहब ने टॉर्च की रोशनी में कैसे नचिकेत को अधूना की हत्या कर दी? देता हूँ मैं उत्तर, देता हूँ। टॉर्च नहीं चली, लेकिन वो जो इनकी जो नौका थी, सवेरा, पहली शादी की सालगिरह थी ना, तो बहुत रोशनी थी, तो उस रोशनी में देख लिया हो। नचिकेत जी, इम्पॉसिबल, ये झूठ है, क्योंकि नीचे जाने से पहले मैंने वहां की सारी बत्तियां बंद की थी, वहां पर अंधेरा था। सुन लिया साहब, आप चुपचाप खड़े हैं, आप ही बता दीजिए, इस अंधकार को दूर करिए, सच्चाई पर रोशनी डालिए, वरना आपको डाल देंगे दवे साहब अंदर और सच उगलवाएंगे। माना कि उस दिन मैंने टॉर्च को छुआ नहीं था, वो क्या था कि मैं डर गया था साहब, सोचा टॉर्च को ऑन करूंगा तो दिख जाऊंगा, लेकिन साहब मैंने सुना, अधूना भाभी को चिल्लाते हुए सुना कि निचिकेत मुझे मत मारो। अच्छा, आपने सुना, पहले कहा था कि देखा, तो मतलब पहले क्यों झूठ बोला था? आप ये पुरानी शत्रुता जो है आपकी नचिकेत जी के साथ, उसका बदला लेना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें फंसाना चाह रहे थे, इसलिए झूठ? नहीं साहब, मैंने सुना था। सुना तो पहली बार तो झूठ बोला था, अब कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हैं? वैसे आपके झूठ भी आपके पाँव की तरह लंबे लंबे हैं। किस नाप का जूता पहनते हैं आप?
11 नंबर साहब। ओ 11 नंबर के जूते। योर ऑनर, पुलिस को नचिकेत जी की नौका के बाहरी हिस्से पर 11 नंबर के जूतों का निशान प्राप्त हुआ है। योर ऑनर, ये निशान पुलिस को वहां मिला जहां से दूसरी नौका से इनकी नौका पे प्रवेश किया जाता है। आपका मतलब है कि उस रात एक और बोट थी? तो जी। एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जूते के निशान थे वो पहले से हो, वो उस बोट पहले नहीं, से नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए 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 ना। नहीं किया, नचिकेत के भी पांव के निशान हो सकते हैं। नचिकेत जी 9 नंबर के जूते पहनते, 11 नंबर के नहीं। तो दगड़ू सा हुआ ये कि आप अपनी नाव लेकर के नचिकेत जी के नाव के पास चले गए, वहां से आप चढ़े इनकी नाव पर। तुम्हारा इरादा शायद नचिकेत को मारने का था, किंतु जब अधुना ने वहां तुम्हें देखा तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आई सपत साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं तो उस दिन मोटर बोट से उतरा भी नहीं था। मैंने जैसे ही दूसरी बोट को देखा वहां से। क्या देखा आपने? मैंने वहां एक दूसरी बोट देखा। दूसरी बोट देखी? जी साहब, जो बड़ी वाली बोट से एकदम लगी हुई थी। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? इस चौकी में क्या है? और मैं बोट घुमाकर वापस चला गया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं पहले झूठ बोल रहा था साहब, क्योंकि मैं नचिकेत बहू को फंसाना चाह रहा था। ये सारा काम वो दूसरे बोट वाले का है साहब। और वो दूसरी बोट को आपने देखा, लेकिन पहचाना, पहचानते हैं आप कि नहीं? मैं पहचानता तो नहीं हूँ साहब, पर वैसा ही बोट हमारे एरिया में एक आदमी के पास है, अधुना भाभी का सौतेला भाई पीतांबर। मैं अधुना का सौतेला भाई। तो क्या इसका मतलब मैंने उसका खून किया? वो बोट मेरी नहीं थी। उस रात पीतांबर जी कहाँ थे आप? मैं अपने घर पे आराम कर रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। झूठे हैं जज साहब, इसी ने मारा है भाभी को उनकी जायदाद के लिए। मिस्टर तुषार, आप बैठ जाइए। मिस्टर पाठक, अपनी कार्रवाई जारी रखिए। धन्यवाद। हाँ, तो कहाँ थे आप? जूतों का नाप क्या है आपका? 11 ना। ग्यारह नंबर के जूते। पुलिस को जिन जूतों का छाप मिला था वहां नचिकेत जी की नौका पर, वो भी 11 नंबर का था। च्युइंगम चबाने की आदत भी है आपको? जी, च्युइंगम चबाने की आदत भी है आपको पीतांबर जी। ये च्युइंगम भी पुलिस को प्राप्त हुई है नचिकेत जी की नौका पर से, और इसका डीएनए टेस्ट करवाने से पता चला है कि इसे आप ही चबा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? उस दिन मैं बोट पे था ही नहीं। हो सकता है कि दूसरे दिन आप बोट पे गए हो। नहीं जी, नहीं, जरूर कोई मुझे फंसा रहा है। क्यों कोई आपको फंसाएगा? आपको नचिकेत ने बताया नहीं मेरी और मेरी बहन की दुश्मनी के बारे में? नचिकेत जी? जी सर, पीतांबर और अधुना के बीच में कई सालों से झगड़ा चल रहा था फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर। पीतांबर को ऐसा लगता था कि अधुना गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी को हत्याने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। अधुना पीतांबर की बहुत इज्जत करती थी। क्या आपको लगता है कि पीतांबर जी उस जायदाद के लिए, उस संपत्ति के लिए अधुना जी की हत्या कर सकते हैं? जी नहीं। भाऊ, आपको शर्म आती तो मैं बता देता हूं। सर, ये आदमी पीतांबर चरस गांजे का धंधा करता था। हाँ,
हजार बुरे कामों में था। भाभी उसका सच जानती थी, लेकिन वो डरती थी कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो उनके खानदान का नाम खराब हो जाएगा, और इसी लिहाज से मेरा भाई अभी तक चुप है। तुषार सर, ये आदमी इतना बड़ा कमीना है कि पैसे के लिए अपनी बहन क्या अपने बाप तक को मार दे। अपनी जुबान को लगाम दो तुषार। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर पीताम्बर आप बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, ये च्विंगम वाली बात जो अभी पाठक साहब ने कही, वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वगैरह, तो ये च्विंगम 10 दिन बाद उसी बोट पर से मिला नचिकेत जी की, जो सवेरा ट्रॉलर है वहाँ से, और इन दिनों 10 दिनों में पुलिस फोरेंसिक्स कितने लोग आए गए होंगे, तो ऐसा कैसे हुआ कि किसी के भी पैर में नीचे ये च्विंगम नहीं चिपकी? हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो और नहीं योर ऑनर, योर ऑनर हो सकता है कि इत्तेफाक हो, परंतु प्रतिपक्ष होने के बावजूद मुझे कहना पड़ेगा कि जयसवाल साहब की बात उचित है ना? फिर और मुझे तो शक है योर ऑनर कि किसी ने जानबूझकर उस बोट पर वो च्विंगम डाली होगी इनको फंसाने के लिए, पीताम्बर जी को फंसाने के लिए, और आई एम सॉरी टू से बट मुझे तो शक हो रहा है कि वो इंसान आपका सहायक वरुण है। आपकी मानसिक स्थिति ठीक है ना जसवाल साहब? बिल्कुल। योर ऑनर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जसवाल साहब सही कह रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। नाचिके तो तुषार मुझसे मेरी बहन से नफरत करते थे, पूछिए इससे शादी के बाद किस तरह ही मेरी बहन को सताता था। पीताम्बर ऐसा पहले था, मैं बदल चुका हूँ पीताम्बर, झूठ। ये मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता था, इसका अफेयर उस नियति के साथ चल रहा था। ये मेरी बहन को मेंटल टॉर्चर करता था। जरूर इसने और नियति ने मेरी बहन को मारा और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे। प्लीज जज साहब इनकी चाल कामयाब मत होने दीजिए। साहब ये पीताम्बर भाव की बात पे जरा भी विश्वास नहीं करने का। जितना सीधा ये दिखता है ना साहब उतना ही टेढ़ा है। ये तुषार भाव सही बोलने का, एक नंबर का लालची और चोर किस्म का आदमी है साहब। साहब पैसों के लिए इसने भाभी को मारा होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदालत में आईएम जायसवाल ने जो मुद्दा उठाया था च्युइंगम का, बात में दम थी। सोचो और ने एक च्युइंगम वहां नौका पर पड़ी हुई है इतने दिनों से, ना किसी ने देखी से, न किसी के जूतों पर चिपकी, विचित्र बात है। नहीं साहब आपको लगता है कि कोई पीताम्बर भाव को फंसा रहा है, जबकि उनका कहना है कि उनको नियति फंसाई होगी। नियति जी हाँ, को आमंत्रण दिया था मैंने यहाँ कार्यालय में आने का, लेकिन पहुंची नहीं है अब तक। फोन लगाओ वरुण देख। सर आ रही है नहीं आ रही है क्या बात? हेलो हेलो, नियति है? नहीं है, वो तो टेनिस का फाइनल मैच खेलने गई है। अच्छा अब वापस आए तो कहना कि मिस्टर केडी पाठक के ऑफिस से फोन आया था। थैंक यू। कमाल है सर, यहाँ मर्डर का केस चल रहा है और मैडम टेनिस फाइनल्स खेल रही है। इस मछली का नाम क्या है सर? जी साहब हम लोग इसको वापटी कहते हैं सर। वापटी? हो साहब, फ्राई करने में और मसाला बनाने में काम आती है। ये बताओ कि ये वापटी मछली समुद्र के किस हिस्से में पाई जाती है? साहब ये आपको बीच समुद्र में मिलेगी, गहरे पानी की मछली है ना साहब। समुद्र के बीच में, किनारे से कितनी दूरी पर? ये कोई साहब 10-15 किलोमीटर। हाँ लेकिन वो नाव जो है वो तो किनारे से 2-3 किलोमीटर ही दूर थी। जी साहब। तो समझाओ मुझे सौत्या जी कि मध्य सागर में पाई जाने वाली मछली किनारे में रखी हुई बोट पर कैसे आ गई? हो सकता है पहले इस मछली की फिशिंग हो चुकी हो। नहीं साहब, वो बोट तो कई महीनों से गहरे पानी में गई नहीं। साहब हम लोग उस बोट का इस्तेमाल समुद्र के किनारे मछली पकड़ने में करते हैं साहब, लेकिन साहब तभी उस दिन शंकर उस मछली को देख के चौंक गया था। लेकिन साहब गहरे पानी का मछली अब उनका बोट में आया कैसे?
और क्यों? मैं बताता हूँ आपको और जसवाल साहब को भी कि ये क्यों और कैसा है। वो जो दूसरी नाव थी नचिकेत जी के नौका के पास, जिसमें से दो व्यक्ति सामान लेकर जा रहे थे नचिकेत जी की नौका में, क्या ये संभव है कि ये मछली उसी समय वहाँ गिरी हो उस नौका में? संभव है? पॉसिबल? बट आधी रात को कोई आदमी एक बोट से दूसरी बोट में सामान की अदली बदली क्यों करेगा, वो भी इन्हें बताए बिना? नहीं, मानता हूँ मैं कि मछलियाँ बहुत महंगी हो चुकी है, बट मछली की स्मगलिंग? नहीं नहीं, मछलियों की नहीं, मछलियों में दबी हुई किसी और वस्तु की स्मगलिंग। हो साहब, ये समुद्र के स्मगलर लोगों का बहुत ही पुराना पैतरा है। साहब, ये लोग मछली के नीचे चरस गांजा वगैरह छुपा कर रात को एक नाव में से दूसरे नाव में डाल देते हैं। साहब, मैंने तो साहब कई बार देखा है, मेरा मतलब है साहब सुना है। योर ऑनर, मैं नियति जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? क्या मैं जान सकती हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको तो एक स्मगलर की तलाश थी ना? हाँ, नहीं, आपको तो यहाँ किसी और ही कारणवश बुलाया है। ये पूछने के लिए कि आप कल मेरे कार्यालय आने वाली थी, आप आई नहीं, क्या हुआ? अब हाँ, वो मुझे बहुत जरूरी काम था। वो आपका टेनिस का की प्रतियोगिता चल रही थी, उसका फाइनल मैच था जी। हाँ, क्या हुआ मैच का? हाँ हाँ, मैं फाइनल जीती। अरे क्या बात है, बधाई हो, बधाई हो। काबिले तारीफ काम किया आपने। ये अभी देखिए ना, एक टूटे हुए कांधे के साथ में टेनिस प्रतियोगिता का फाइनल जीतना बहुत ही कठिन है, जबकि आप इस कांधे को लेकर तैर भी नहीं सकते। अब टेनिस खेलते वक्त तो अत्यधिक जोर पड़ता है कांधे में, तैराकी की तुलना में कितना कुछ होता है, स्मैश, ओवरहेड, रिटर्न इत्यादि इत्यादि। बहुत कष्ट हुआ होगा आपको जीतने में, नहीं? क्या यह सच नहीं है कि जो रिपोर्ट्स हमारे माननीय जायसवाल साहब ने बड़ी उग्रता से पेश किए थे आपके कांधे को लेकर, वो रिपोर्ट्स झूठी थी? मैं हूं ना सही? आगे बताइए, क्यों झूठी रिपोर्ट्स पेश की आपने अदालत में? सच बात तो ये है कि मैं बहुत डर गई थी। मैं डर गई थी कि आप और नचिकेत मुझ पर शक करेंगे, और क्योंकि मैं एक अच्छी तैराक हूँ, मेरा केस कमजोर पड़ सकता है। इसलिए मैं पहले ही डॉक्टर से मिली और मैंने उनसे नकली सर्टिफिकेट्स बनवाए। केवल इतना ही नहीं, आपने नचिकेत को भी फंसाया, ये कहकर कि वो अपनी पत्नी अधुना को मारना चाहता था, फंसाया ना आपने? जी। क्यों फंसाया? क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहती थी। और बदला आपने लिया अधुना को मारकर? Silence in the court, please. ये झूठ है। मैंने अधुना को नहीं मारा। उस रात मैं अपने घर पे थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। नियति निर्दोष है जज साहब। मिस्टर तुषार, ये आपका घर नहीं है कि आप बार बार उठे और कुछ कहें। यहाँ बगैर इजाजत के आप कुछ नहीं कह सकते। सॉरी सर, लेकिन मुझे एक बात कहनी है जो इस केस के लिए बहुत जरूरी है। सर, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाभी के मर्डर के पीछे कोई और नहीं, उनका भाई पीताम्बर है। और कल रात मेरा ये शक यकीन में बदल गया जब मैंने शंकर को पीताम्बर के साथ देखा। सर, शंकर पीताम्बर के साथ काम करता था, वो मेरे भाई को धोखा दे रहा है, उसी ने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, आप पूछिए उससे। सच है ये बात, पीताम्बर पैसे दे रहा था तुम्हें? अरे हाँ सब, वो तो मैं उनसे उधार ले रहा था। नहीं,
पीताम्बर आपको अचानक उधार क्यों देने लगा? देखो शंकर, सच सच बताओ क्या है। अदालत में झूठ बोलने की सजा बहुत कड़ी होती है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो तो मैं पीताम्बर भाव को मदद कर रहा था साहब। किस प्रकार की मदद कर रहे थे? पीताम्बर भाव जो मुझसे पूछते थे, मैंने बताया साहब। बोट कब जाएगी, कौन होगा उस पे, किधर जाने वाले हैं, मेरे को कुछ भी आइडिया हो तो साहब, उसके बाद में क्या करने वाले हैं, मैं उनकी कभी मदद नहीं करता साहब। क्या क्या ये आइडिया, मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या क्या किया पीताम्बर ने? उन्होंने अपनी बहन अधूरा का मर्डर किया। शंकर झूठ बोल, मैंने कब कहा कि अपनी बहन को मारने जा रहा हूँ? पीताम्बर जी बैठ जाइए, आगे बताओ, विस्तार में बताओ क्या हुआ। उस रात वही हुआ जिसका मुझे डर था साहब। पीताम्बर भाव बोट पर गए होंगे और पीताम्बर भाव उस बोट में नचिकेत और अधुना के अलावा और कौन? कोई नहीं। किसी को कहना मत कि मैं आया। पर आप कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन की कहानी खत्म करने। पीताम्बर भाई आप यहाँ इतनी रात गए? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें मिलता चलूं। एक्चुअली मैंने कुछ गलत किया, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें मारता चलूं। अब इस जायदाद और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, भाभी को इन्होंने मारा। शंकर झूठ बोल, मैं उस बोट पे गया ही नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि कोई डांबर को फंसा रहा है? कहना कठिन है वरुण, स्विंगम की वार्ता के बारे में सोचो तो पीताम्बर की बात में सच्चाई दिखती है। वैसे भी दो ही बातें हो सकती है, या तो पीताम्बर झूठ बोल रहा है या शंकर। सर पीताम्बर तो पुलिस कस्टडी में, शंकर को लेकर छानबीन कर। साहब आपके पैसे हैं तो एक वो मिलेगा। हाँ साहब, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं सब लोगों का मदद करता है जो मेरी मदद करता है। पैसा देकर और दारू देकर। अच्छा ये बताओ फिलहाल तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? उस रात तुमने पीताम्बर को जेट्टी पर नहीं देखा था ना, वो पूरी कहानी नकली है ना? आपको कैसे पता? क्योंकि उसने मुझे सब सच बता दिया है। किसने? उसी ने जिसने तुम्हें अदालत में बोला था झूठ बोलने को। तुषार भाऊ ने? हाँ, मैंने ही शंकर को पैसे दिए थे अदालत में पीताम्बर के खिलाफ गवाही देने को। क्यों? क्योंकि मैं जानता था पीताम्बर ने मारा है भाभी को, और आप लोगों को ठोस सबूत भी नहीं मिल रहा था उसके खिलाफ। आप आवाज नीचे रखिए, मेरा दफ्तर है, ये कोई तरीका नहीं होता सबूत हासिल करने का। छोड़ देता हूं मैं ये केस, आप खरीदते रहिए गवाहों को। सॉरी सर,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने भाई को बचाने के लिए मैं स्वार्थी हो गया। अब आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अदालत में अपने सारे झूठ मान लूंगा। आप प्लीज ये केस मत छोड़िए, मेरे भाई को बचा लीजिए सर। ठीक है, तो ये बताओ कि नचिकेत ने तुम्हें फोन करके जट्टी पर बुलाया था, समय कहाँ थे तुम? मैं अपने घर पर ही था सर। क्यों? पूछ रहा हूँ बस। यार तू इतनी रात को कौन सा सबूत देखने आया? एकेडी पाठक के पास कोई दूसरा काम वाम नहीं है क्या? गोल चौकी पुलिस स्टेशन। मर जेटी पर स्मगलिंग का सामान उतर रहा है अब से 2 घंटे बाद। तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ, पर इस समय जेटी से जो सामान उतार रहा है वही अधुना का खूनी है। हेलो हेलो, चल मेरे साथ। क्या होता है? बताता हूँ, चल। रुक जाओ, पकड़ो से, रुको। ये माल मेरा नहीं है, तगड़ू का है। अधूना को तूने मारा ना? बोल। अधूना को तूने मारा ना? बोल। क्या? नहीं। साहब, मैं दगड़ू भाव के लिए स्मगलिंग करता हूँ। लेकिन साहब, अधूना भाभी के मर्डर में हम दोनों का हाथ नहीं है, और कम से कम मेरा तो नहीं है साहब। आपको अधूना जी के बारे में कब पता चला? साहब, मैं घर में सोयला था, मेरे को तुषार भाऊ का फोन आया। उन्होंने मेरे को बोला कि भाभी मिसिंग है। मैं जिट्टी में पहुंच गया साहब, और साहब वहां पर तुषार भाऊ आया और हम दोनों ने मिलके बोट का इंतजार किया साहब। तुषार, तुमने मुझसे कहा था कि उस रात जब अधूना जी की मृत्यु हुई उसके पश्चात नचिकेत ने तुमको फोन करके जेटी पर बुलाया, तुम घर से आए। जी, घर पर था। कैसे आए थे अपने घर से? अपनी मोटरसाइकिल से। अच्छा अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हैं? कौन सी बाइक है, उसका इस केस से क्या लेना देना होगा? कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी, बुलेट 500 cc। अरे वाह, बड़ा ही दमदार मोटरसाइकिल है, फट 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 ऐसा आवाज करती है। जब गाड़ी निकलती है तो पूरा मोहल्ला हिल जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक आए थे उस मोटरसाइकिल पर? जी, अपने घर से जेटी तक। और वहाँ सौत्या आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जी हाँ। धन्यवाद योर ऑनर, मैं एक बार सौत्या जी को फिर कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है। सौत्या जी, तुषार ने आपको फोन किया था और आपको जेटी बुलाया था? हो साहब। आप वहाँ पहुँच गए, उसके बाद तुषार आए वहाँ? हो साहब। अपनी 500 cc की बैंडिट मोटरसाइकिल पर? तो आपने उन्हें मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा होगा? नहीं साहब, तुषार भाऊ तो जेटी पे पैदल उतरा था। सौत्या, 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 नचिकेत भाऊ का फोन था। अधूना भाभी बोट से लापता है, वो बोट लेकर यहीं पे आ रहे। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि तुषार जी के पैंट के पैचे ऊपर चढ़े हुए थे? और साहब, गीला भी था। गीले भी? तो पैंट गीला तभी होता है, और कोई भी व्यक्ति पैंट को ऊपर तभी करता है जब वो पानी में गया। हो साहब। अच्छा, तो हो सकता है कि उन्होंने मोटरसाइकिल कहीं दूर छोड़ दी हो, तो अंधेरी सुनसान रात थी तो मोटरसाइकिल की फटफटाने की आवाज तो सुनी होगी। नहीं साहब, आवाज नहीं सुनी। 101%। अद्भुत बात है कि इतनी सुनसान रात में मोटरसाइकिल की इतनी तीव्र फटफटाने की आवाज सुनाई ही नहीं थी।
सर पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये, मैं बाइक पर ही था। आप बाइक पर नहीं, बाइक पर नहीं आए थे, वहां बोट पर आए थे, क्योंकि उस रात आप ना घर पर थे न जट्टी पर थे, आप समंदर के बीच में, आपकी बाइक केवल वहां पार्क की गई थी बंद अवस्था में, इसीलिए किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। ये सब आपसे किसने कहा? आपके केबल वाले। उस रात आपका केबल वाला आया था आपके घर पैसे लेने, और उसने कथन दिया है पुलिस को कि उसने आपके घर में ताला लटकता हुआ देखा, आप थे ही नहीं घर। सर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, पर समंदर नहीं गया था। आप समंदर के बीच में ही थे। बीच समंदर में मैं क्या करूंगा भाई? जो सत्या जी ने हमें बताया, कश्ती में मछली के नीचे स्मगलिंग का सामान। यही है आपका असल व्यवसाय, और अपना व्यवसाय करने के लिए आप अपने भाई को बिना बताए इनकी नौका का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। उस रात भी आप अपनी छोटी सी मोटर बोट में वो सामान लेकर गए थे, और वो जो दो व्यक्ति दिखाई पड़े थे सामान चढ़ाते हुए, उसमें से एक आप थे। वाह, मेरे भाई को बचाने के लिए आप मुझे ही फंसा रहे, है कोई सबूत आपके पास? एक बात भूल रहे हैं आप तुषार जी, कि उस मोटर बोट में दगड़ू ने एक नहीं दो व्यक्तियों को देखा था, एक आप हो गए और एक आपका साथी। कौन सा साथी? अरे वही साथी, आप तो जानते ही होंगे कौन सा साथी। सर कोई नहीं है। आपके कहने से कोई नहीं हो गया? देखिए सच सच बताता हूँ आपको, आपका जो साथी है वो हमारी गिरफ्त में आ चुका है। भोजन का समय हो गया है, भोजन के पश्चात आपके साथी को हम यहाँ लाएंगे अदालत में, और वो आपका पर्दाफाश करेगा। थैंक यू। सर प्लीज। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। कह रहे थे हम? मिस्टर पाठक आप क्या कह रहे हैं, मेरा कोई साथी नहीं है। अरे जब मैं बीच समंदर में गया ही नहीं तो कोई नहीं है मिस्टर पाठक। भाऊ मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोजन के बाद बात करते हैं। हेलो इंदर कमीने, अगर तूने मेरे खिलाफ अदालत में कुछ बोला तो याद रखना तेरी भी कहानी बता दूंगा। ये मत भूल इस धंधे में तू भी मेरे साथ है। क्या किधर है तू? अलीबाग में? पर केडी पाठक तो बोल रहे थे कि तू अदा। हेलो इंदर जी, जरा एक मिनट होल्ड करिए कृपा। थैंक यू, धन्यवाद। अपने एक बारे जुर्म के साथ साथ आपने अपना अपने मित्र का पता भी बता दिया। हाँ इंदर जी आप रुकिए, वहाँ अलीबाग पुलिस आप तक पहुँचती हो। थैंक यू सो मच। भोजन तो किया नहीं होगा, चलिए जेल में कर लीजिए। सर पिछले दो सालों से मैं और मेरा दोस्त इंदर चुपके से ड्रग स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं। बिना बताए भाऊ की बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये बात सच है कि भाऊ को इसकी कोई खबर नहीं। उस रात मैं और इंदर समंदर के बीच में से कोकेन की डिलीवरी ला रहे थे, तभी मुझे पता चला कि कोस्ट गार्ड को हमारी बोट का पता चल गया। इसलिए जैसे ही मैंने भाऊ की बोट को समंदर के बीच में देखा तो सोचा कि सारा माल उसमें डलवा देता हूँ। हाँ ठीक है, खबर पक्की है, जेटी पे कोस्ट गार्ड के आदमी है। अब क्या करें? सोचने दे। नचिकेत भाऊ की बोट? एक काम कर, अभी सामान उसमें डलवा दे, जैसे ही सुबह सिग्नल क्लियर होगा उसमें से निकलवा देंगे। चल बोट उधर ले चल। ठीक है लेता हूँ। अभी आप यहाँ क्या कर रही? तो यहाँ नचिकेत के साथ अपनी एनिवर्सरी मनाने आई थी। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ? इस
चोकरी में क्या है? अभी कुछ नहीं, मैं आपको समझा दूँ। तुम ड्रग्स की स्मगलिंग करते हो? कुछ नहीं। वो भी नचिकेत के बोर्ड पर? मैं आपको समझाता हूँ। अभी बता दो। नचिकेत, 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 अभी मेरी बात सुन, अभी मेरी घबराहट में आके मैंने भाभी की जान ले ली, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारना चाहता था। पर अगर उन्हें नहीं मारता तो मेरा सच सामने आ जाता। तुषार, तुम भाव, जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस ने आपको मर्डर के चक्कर में पकड़ा है, मैं घबरा गया। आपको जेल कैसे जाने देता, वो भी मेरे जुर्म के लिए। इसीलिए मैंने पीताम्बर को पकड़वाना चाहा। वो च्युइंगम भी मैंने डेक पे फेंकी थी, फिर मैंने शंकर को पैसे देके पीताम्बर के खिलाफ बोलने को कहा, और जब आपने वो बात पकड़ ली तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन करवाकर इल्ज़ाम सौतिया पे डलवाना चाहा। क्योंकि आप जानते थे कि सौतिया जी उस रात जट्टी पर स्मगलिंग कर रहे हैं। हाँ, पर मैं से अपनी गलती छुपाना चाहता था, किसी और को पकड़वाना चाहता था, अपने भाई को बचाना चाहता था। देखो तुषार, किसी की हत्या करना भूल नहीं, अपराध होता है, और अपराध का दंड तो मिलना चाहिए। कीड़ी पाठक के होते हुए ऐसा अवश्य हो। तो डिफेंस रेस्ट चलो। यह अदालत मिस्टर तुषार कोहली को मिसेज अदुना कोहली के कत्ल में दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और मिस्टर नचिकेत कोहली को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। अब यह मुकदमा यहीं बंद किया जाता है। पाठक साहब। जी जायसवाल साहब। शंका आ रही है, लेकिन मछलियों का नॉलेज सॉलिड है। हाँ हाँ, क्योंकि जायसवाल साहब, हमारे व्यवसाय में देयर इज ऑलवेज समथिंग फिशी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.